नहीं, बिल्कुल सही कहा है जो श्रीलंका के विदेश मंत्री ने, बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। बात यह है कि जो कनाडा है, ये एक तो डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट के, वो अगर ओसामा बिन लाडेन को मारना है, अयमान अल जवारी को मारना है, हुसैनी किसको भी मारना है, जहां तहां जाके वो मार देंगे कि साहब ये टेररिस्ट है। जो हम कह रहे हैं कि ये शरेआम टेररिस्ट है, जिसकी फोटोएं AK-47 के साथ आई हैं, जिसका हाथ खून से रंगे हैं, उसको आप टेररिस्ट नहीं मानेंगे, उसको आप एक्टिविस्ट बोलेंगे, उसको आप कैंपेनर बोल देंगे, कुछ ना। ये जो दोहरे मापदंड है, दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और देखिए, बात ऐसी है कि ट्रूडो साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पे हम चलते हैं। अरे साहब, जो देश रूल ऑफ लॉ पे चलता है, वो दूसरे देशों को टेररिस्ट को पनाह नहीं देता, ट्रेनिंग कैंप्स नहीं खोलता, वहां पे जो है ड्रग वॉर के लिए, गैंग वॉर्स के लिए अपनी खुली छूट नहीं देता। आप मुझे बताइए, 38 साल हो गए हैं कनिष्का की एयरक्राफ्ट ट्रेजेडी को, अभी तक क्या किया है कनाडा ने उनको पकड़ने के लिए? सबको छूट जाने दिया, सबको छूट जाने दिया, और जिसमें कि 329 बेकसूर नागरिक जो अलग अलग देशों के थे वो शहीद हुए थे, जिसमें 268 तो कनाडा के खुद के नागरिक थे। बात ये थी कि क्योंकि वो भारतीय मूल के थे, कोई परवाह नहीं है कनाडा को। अली साबरी ने काफी एलिगेशन लगाए, उन्होंने कहा कि श्रीलंका पे जो जेनोसाइड के आरोप लगाए गए वो भी झूठे हैं, इसी तरह भारत पर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल उनसे सहमत हूं कि ये दोहरे मापदंड ये नहीं चलेंगे। दुनिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ये दोहरे मापदंड खत्म करने के लिए। अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ एक्शन होता है तो वो तो टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो भारतीयों को मारे, वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक्टिविस्ट है, वो खालिस्तान सपोर्टर है। ये बकवासबाजी है बिल्कुल। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर का बयान आया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से कनेडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने का कहा है, और कहा कि उम्मीद करते हैं जल्दी पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो पूरी होगी सच सामने। पहले कनाडा की सरकार हमको कोई क्रेडिबल प्रूफ तो दे, क्रेडिबल एलिगेशंस। ये तो नया एक फ्रेज हमने सुना है, क्रेडिबल एलिगेशंस। क्रेडिबल प्रूफ कहाँ है? वेयर इज द प्रूफ? शो अस द प्रूफ। कनाडा की सरकार ने कोई प्रूफ नहीं दिखाया, ये तो शूट एंड स्कूट है। मारो, आरोप लगाओ कि आप कालिख पोत दो, थोड़ी तो कहीं ना कहीं चिपक जाएगी दीवार पे। फेंको गंद, कहीं ना कहीं कुछ तो चिपकेगा। आप प्रूफ दिखाइए साहब। आप कहते हैं कि कनाडा रूल ऑफ लॉ पे चलता है, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलता है। कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर आपको इजाजत देता है दूसरे देशों के टेररिस्टों को, गैंग वॉर वाले, ड्रग वालों को पनाह देना? इज इट अ क्रिमिनल एंटरप्राइज? या ये एक स्टेट है? कनाडा ने भी भारत का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि आवर पोजीशन ऑन दिस मैटर इज वेरी क्लियर बिकॉज वी हैव एंड्योर्ड एंड वी हैव सफर्ड जीरो टॉलरेंस। नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए टेररिज्म के लिए। जब त्रेदाव साहब दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने उन्होंने इस डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर जो थे G20 के, उस पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें साफ कहा गया है कि टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके फाइनेंशियल नेटवर्क्स पे, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के बरखिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन है साहब कि आप उन्हें बचा रहे हैं? आपको 329 कनिष्का ट्रेजेडी में मारे गए आम नागरिकों की कोई परवाह नहीं, आपको परवाह है कनाडा में तो एक टेररिस्ट के मारे जाने पे कि वो क्यों मारा गया। साहब, 329 जो बेकसूर लोग शहीद हुए, उसके बारे में आपने क्या किया है? 38 साल हो गए उसको।